गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होता है। गोनोरिया पुरुषों में भी हो सकता है या औरतों में भी हो सकता है। ज्यादा करके गोनोरिया यूरेथ्रा यानी कि यूरिनरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, रेक्टम के सिम्टम्स दिखाता है या फिर थ्रोट और आंखों के सिम्टम्स दिखाता है। गोनोरिया वजाइनल, ओरल और एनल सेक्स के द्वारा स्प्रेड हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों में यानी कि नवजात शिशु में एक गोनोरिया पॉजिटिव माँ से एक नवजात शिशु में जन्म की प्रोसेस के दौरान गोनोरिया का इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। छोटे बच्चों में गोनोरिया के सिम्टम्स आंखों में दिखाई देते हैं। कई बार गोनोरिया की वजह से कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। कभी कभी गोनोरिया की वजह से काफी वेग सिम्टम्स दिखाई देते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में गोनोरिया की वजह से यूरिनरी ट्रैक के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पुरुषों में गोनोरिया की वजह से पेनफुल यूरिनेशन यानी कि यूरिन पास करते समय बहुत ज्यादा दर्द होना या फिर यूरिन पास करते समय बहुत ज्यादा पस का डिस्चार्ज होना या फिर पुरुषों में गोनोरिया की वजह से एक या दो टेस्टिकल्स में दर्द भी हो सकता है। पुरुषों की तरह औरतों में भी गोनोरिया की वजह से यूरिनरी ट्रैक के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि वजाइना में से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होना या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना पीरियड के दौरान या फिर दो पीरियड्स के बीच में भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, यूरिन पास करते समय बहुत ज्यादा दर्द होना या फिर पेट में या पेल्विस में बहुत ज्यादा दर्द होना। ये सब सिम्टम्स पुरुषों में और औरतों में गोनोरिया से रिलेटेड हो सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक के अलावा गोनोरिया की वजह से बाकी की जगह में भी सिम्टम्स नजर आ सकते हैं, जैसे कि रेक्टम में। रेक्टम के सिम्टम्स भी गोनोरिया की वजह से पेन इन रेक्टम यानी कि रेक्टम में एनस में बहुत ज्यादा दर्द होना, एनस में बहुत ज्यादा इचिंग होना, मोशन पास करने के बाद खून बहना यानी कि मोशन पास करने के बाद अगर टिश्यू से वाइप किया जाए तो टिश्यू के ऊपर खून आना, ऐसे सिम्टम्स गोनोरिया से रिलेटेड हो सकते हैं। गोनोरिया की वजह से आंखों में जो सिम्टम्स होते हैं वो टिपिकली सेंसिटिविटी ऑफ लाइट यानी कि आंखों में लाइट की तरफ देखने के बाद बहुत ज्यादा दर्द होता है, आंखों में से भी पस जैसा डिस्चार्ज निकल आता है। गोनोरिया की वजह से थ्रोट के सिम्टम्स में होते हैं बहुत ज्यादा सोर थ्रोट होना या फिर लिम्फ नोड्स, गले में लिम्फ नोड्स महसूस होना। अगर गोनोरिया जॉइंट्स को अफेक्ट करे तो उसकी वजह से जॉइंट्स बहुत ज्यादा स्वेल हो सकते हैं और जॉइंट्स में मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। टिपिकली गोनोरिया के पेन में मूवमेंट की वजह से जॉइंट पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक नवजात शिशु में भी गोनोरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोई गोनोरिया पॉजिटिव माँ एक बच्चे को डिलीवर करे तो जन्म के प्रोसेस के दौरान ये इन्फेक्शन बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है। ये सिम्टम्स, गोनोरिया के सिम्टम्स नवजात शिशु में जन्म के 2 हफ्तों के अंदर अंदर दिखाई देने लगते हैं। नवजात शिशु में गोनोरिया का इन्फेक्शन ज्यादातर आंखों में होता है। आंखें बहुत ज्यादा लाल होना, आंखें बहुत ज्यादा सूजना, ये गोनोरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। नवजात शिशु में गोनोरिया के सिम्टम्स में आंखों में से पस जैसा डिस्चार्ज भी निकल आ सकता है। गोनोरिया की वजह से कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इनफर्टिलिटी। पुरुषों में या औरतों में अगर गोनोरिया ट्रीट ना किया जाए तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। गोनोरिया की वजह से HIV होने की संभावना ज्यादा बढ़ सकती है। अगर गोनोरिया की ट्रीटमेंट ना ली जाए तो ये बाकी ऑर्गन्स में फैल सकता है, कॉमनली ये जॉइंट्स में फैल सकता है। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।